Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। इंटरनेशनल न्यूज में सबसे पहले आपको ला रहे हैं, इजरायली कार्गो शिप पर हुआ अटैक, ईरानियन कैमिकाज ड्रोन से ये किया गया है अटैक। एक कंटेनर शिप जो मैनेज की जा रही है इजरायली कंट्रोल कंपनी की तरफ से, सस्पेक्ट ईरानियन ड्रोन ने इसे हिट किया है इंडियन ओशन में, जो कि माइनर डैमेज हुआ है उसके वेजल्स को, लेकिन कोई इंजुरीज नहीं हुए हैं। यूएस डिफेंस ऑफिशियल ने ये बात बताई है। माल्टा फ्लैग सीएमए सीजीएम सीमी रिसेंटली इसका नाम बदल दिया गया है, जो अनमैंड एरियल व्हीकल होती है, वो ड्रोन की तरह से जो है आकर वो शिप पर गिरी है, लेकिन उस पर कोई डैमेज नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं इजरायली कंट्रोल शिप्स पर अटैक्स और उस पर जो है काबू तो जा रहा है। हाल ही में आपने देखा, यमनी एक हौती ग्रुप ने इस जो है मैनेज किया था एक जगह, अब ईरानियन ड्रोन नजर आ रहा है। वही नेशनल न्यूज से हम बात करते हैं, हलाल बैन होगा क्या? जी हाँ, इस पर डिसीजन नहीं लिए हैं यूनियन गवर्नमेंट ने कहा। तेलंगाना में अमित शाह आए थे बीजेपी की कैंपेनिंग के लिए, तो जब उनसे पूछा गया कि बैन करना चाह रहे हैं कि हलाल प्रोडक्ट्स को आप, तो उन्होंने कहा कि यूनियन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई डिसीजन अभी नहीं लिया है। यूपी गवर्नमेंट ने हालांकि ये बात तय कर दी है 18 नवंबर को कि जो भी प्रोडक्ट अपने आप को हलाल बोलेगा, हलाल फूड सर्टिफाइड बोलेगा, वो उस वैसे कंपनीज को बैन कर दे रहे हैं जो सर्टिफिकेशन देते हैं, और वो प्रोडक्ट्स को भी बैन कर दे रहे हैं कि आपको बताने की जरूरत नहीं है ये हलाल है या नहीं है। ये चर्चा चल रहा है बस, और कुछ नहीं। वहीं एक और इम्पोर्टेंट खबर, इस शख्स को तो आप जानते हैं, रेलवे स्टेशन का ये कांस्टेबल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का चेतन सिंह, जिसने 4 लोगों को मार दिया था, जिसमें खास बात बता दें कि मुस्लिम्स लोगों को टारगेट करने की जो बात की जा रही थी उससे पहले ऑर्डर भी आ गया था, उसे सजा भी सुनाई गई थी। लेकिन अब उसके डिफेंस में क्या बाहर आ रहा है, डिफेंस में ये बाहर आ रहा है कि इसकी मेंटल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी, मानसिक जो संतुलन होता है वो बिगड़ा हुआ है। सोसाइटी में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से रहता था, लेकिन उससे ख्वाब आते थे जो हॉरर ख्वाब बोलते हैं, या हम बोलते हैं ना भूत प्रेत की ख्वाब आते हैं, ऐसे से ख्वाब आते थे। इसकी वजह से इसका इल्यूजन जो है बदल जाता था, इसका माइंडसेट बदल जाता था। इस तरह की बात उनके एडवोकेट ने बड़ी जो है इसे लिखी है कि इसे एक्सट्रीम मेंटल स्ट्रोक्स आते हैं, या इसकी बीमारी को कहते हैं वाइट मैटर डिसीज, जहां पर आदमी को जो है कैटेगरी अनसाउंड माइंड, यानी कहीं ना कहीं से बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमें कानून पर और कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि इंसाफ होगा। उसके बाद हम बात करें पीएम मोदी जी की विजिट टॉप गन मोमेंट, जहां प्राइम मिनिस्टर जो ने के तेजस एयरक्राफ्ट में फ्लाई किए हैं। बेंगलुरु के इस एचएएल एयरपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपको देखते हैं हवाई जहाज पे उड़ान लेते हुए। जेट फाइटर प्लेन इंडियन एयरफोर्स का प्लेन है जो बहुत ही शानदार तरीके से उड़ता है। वहाँ पर आप देखते हैं पीएम मोदी ने काफ़ी जो है इस पर जो है ड्राइव भी की और थम्सअप भी काफ़ी करते हुए नजर आए लोगों को। लोगों के मिक्स रिएक्शंस रहे इसके पर, कोई इसके ऊपर जो है पॉजिटिव भी ले रहा है, कोई इसकी जो है ना मजाक भी उड़ा रहे हैं, ऐसा करें वैसा करें, इस तरह की बात भी चल रही है। लेकिन पीएम मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उनका हक है कि हर जगह वो फिरें, हर चीज़ वो टेस्ट करें और हर चीज़ वो देखें। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज उमरा सर्विसेज दिसंबर डिलक्स उमरा पैकेज ओनली एट 98,000 रुपीज। 16 दिसंबर को डिपार्चर है, 30 दिसंबर को रिटर्न है। विजिट करें जागीदार कॉम्प्लेक्स अपोजिट इनामदा पेट्रोल पंप नियर पाकिस्तान दरगाह रोड गुलबर्गा। एक राहत की खबर हम बता दें आपको, हमास और इसराइल के बच चलते हुए, फलस्तीन के चलते हुए हम बता रहे हैं आपको। लेकिन जो बता रहा हूँ आपको मैं बात जो है वो ये है कि 24 होस्टेजेस यानी कि जो बंदी बनाए गए थे लोगों को रिलीज़ किया गया। हमास ने 24 लोगों को रिलीज़ किया इसराइल के, और फलस्तीन के 39 लोगों को रिलीज़ किया इसराइल ने, जो कि सीज़ वायर स्वैप जिसे हम कहते हैं, सीज़ वायर 5 दिन के लिए रुका गया है। फैमिलीज जो है बहुत सारे खुश हैं, दोनों तरफ के लोग खुश, ऑब्वियस बात है, इसराइल रहने दो या फिर इंसान है आखिर, बमबारी बंद कर दीजिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, अमन से जीने की कोशिश करिए, सब लोग मिलकर रह सकते हैं, अच्छा रह सकते हैं। देखिए फैमिलीज मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, एक दूसरे को रो रहे हैं, ये मिलकर ये बड़ी खुशी का मामला है। लेकिन इतने हज़ारों जान जाने के बाद जब सीज़ फायर होता है तो मतलब ही नहीं है। तो स्टेट इलेक्शंस की अगर बात करें तो हैदराबाद पर नज़र डालते हैं, जहाँ पर तेलंगाना में आप देख सकते हैं कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस लीडर डी के शिवकुमार ने कहा कि एंटायर कंट्री देख रही है तेलंगाना को, तेलंगाना के लोग ने डिसाइड कर दिया है कि इनफ इज़ इनफ, अब हमारा वक्त आ चुका है चेंज का, और कांग्रेस पार्टी की हिस्ट्री बड़ी है और आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा ये सत्ता का बड़ा अहम रोल। और उन्होंने कहा है कि जो हमने प्रॉमिस किया था हमने डिलीवर किया है। तेलंगाना एंड दिस 5 स्टेट इलेक्शंस, आई बीन हियर फॉर वेरी 4-5 डेज,
before the campaigning started, I visited a number of constituencies. The people of Telangana have decided enough is enough. अगर आपका डेटा लॉस्ट हो गया हो तो परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि उस्मान डेटा रिकवरी सर्विसेज आपके साथ है। हार्ड डिस्क, लॉजिकल या फिजिकल, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, डीवीडी रिपेयर, ये सारी चीजें होती है रिकवर उस्मान डेटा रिकवरी के पास। स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें। उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस के माइनॉरिटी AICC के चेयरमैन ने जिस तरह से वो अपनी शायरी के जाने जाते हैं तेलंगाना पे, उन्होंने KCR के ऊपर लिखा है, तेलंगाना की लोगों ने सोचा इस बार बाय बाय KCR, इस तरह की उन्होंने एक अशार बनाए हैं और पेश किया कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। तैयार रहिएगा अगले मिस्र को, कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय KCR। गुलबर्गा से हम बात करते हैं, रॉडी परेड की गई गुलबर्गा यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में। रॉडी परेड अक्सर की जा रही है अलग अलग पुलिस स्टेशन के अंदर, जहां पर हाल ही में एक पुलिस स्टेशन आपको दिखाया था, अब गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में यह रॉडी परेड की गई। आप सबको बताते हैं, पुलिस स्टेशन के चलते हुए हम आपको बता रहे हैं कि पब्लिक और पुलिस मिलकर क्या अच्छा काम कर सकती है। या नास ट्रस्ट एंड GoHash फाउंडेशन ला रहा है पब्लिक पुलिस मीट क्रिकेट टूर्नामेंट, जहाँ राघवेंद्र पुलिस स्टेशन यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, जो खेलेंगे टीम पब्लिक के साथ। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि हैश बॉक्स में हो जा रहा है एशियन फन वर्ल्ड में। आज आप ये बुलेटिन देख रहे होंगे तो शाम 6 बजे से मैच स्टार्ट होने वाला है, तो ज़रूर आप एशियन फन वर्ल्ड आ रहे हो तो ज़रूर आकर विजिट करिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट और हम लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं नाज वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट एंड GoHash फाउंडेशन, और टूर्नामेंट स्पॉन्सर मुस्कान ड्राइविंग स्कूल के साथ साथ जी मॉन्टिट्रा जी स्कूल है, और साथ ही साथ SAS 85 फाइनेंशियल सॉल्यूशंस भी। तो इसका मकसद यही है कि पुलिस और फ्रेंडली रहने के लिए ये टूर्नामेंट रखा गया है। पब्लिक इस बात से, पुलिस से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस भी एक आप जैसे आम आदमी रहते हैं, लेकिन सरकार के तरफ से काम किया जाता है। तो हम लोग जनेस में ही पुलिस, जो कन्नड़ में बताया जाता है, उसके अंडर हम लोग काम करते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आपको आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जो भी लोग जॉब के लिए ढूंढ रहे हों, एयरपोर्ट पर अगर आप जॉब ढूंढ रहे हों, तो आपके लिए एरो हब बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लाया है। ये अपॉर्चुनिटी ये है, जितने भी नॉन कोर सिक्योरिटी जो आता है PSA कैटेगरी हैदराबाद एयरपोर्ट, 12th पास भी अगर आप हैं और आपकी हाइट अगर 170 सेंटीमीटर और उसके ऊपर है, आपके पास पासपोर्ट कंपलसरी है, तो आपको ये बहुत ही अच्छा जॉब आपको मिल सकता है। तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करके स्क्रीन पर नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, एकोमोडेशन बिल्कुल मुफ्त है। याद रखिए मंडे तक ही टाइम्स का है, तो जरूर कांटेक्ट करिएगा स्क्रीन पर नंबर पर। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपके इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे, व्हेन यू फुली ट्रस्ट समवन विदाउट एनी डाउट, यू फाइनली गेट वन ऑफ टू रिजल्ट्स, ए पर्सन फॉर लाइफ या फिर एक लेसन फॉर लाइफ। बड़ी शानदार बात है, आप सबको गुड मॉर्निंग। हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स आर ब्रॉट यू बाय अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हर जुमरा सर्विसेज, नियर पाकिसा, अपोजिट इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। आज हम बता रहे हैं बुट्टे के बेनिफिट्स क्या हैं, कॉर्न के बेनिफिट्स क्या हैं। हेमोराइड से बचाता है, वेट गेन को आपको हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है कैंसर, प्रिवेंट करता है एनीमिया, और आईज और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है, हार्ट को भी हेल्पफुल करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, और इसके कॉस्मेटिक बेनिफिट्स भी हैं। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैशटाउन प्रीमियम हिल प्लॉट्स ऑन हुन्नाबाद रोड। जी हाँ, हुन्नाबाद रोड पर आपको मिलते हैं हैशटाउन के एक्सक्लूसिव ये प्लॉट, जो कि बहुत ही बेस्ट प्राइस में आपको मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट सेल हो चुके हैं। तो देर ना करें, अभी स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें।
उसके सीधे ड्रॉप इन होते, उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद अली का, लिखा है अस्सलाम वालेकुम, तारवे वोटर आईडी कार्ड के बारे में कोई अपडेट? फिलहाल के लिए वोटर आईडी का तो अपडेट नहीं है, लेकिन मैंने सुना हाल ही में कि वोटर आईडी बनाने वाले हैं, उसके बारे में जैसे ही कैंप शुरू होगा तो मैं आपको बताऊंगा। शेख मती लिखे तारवे, फिर से लॉकडाउन होता है क्या? फिर से भाई क्यों होगा लॉकडाउन, अब कुछ भी हो लॉकडाउन नहीं होगा, सबको जिंदगी चलाने की आदत हो चुकी है। सैयदा मेख फातिमा लिख रही है तारवे पे, सैयद अलहमदिल्ला वर्ल्ड कप की बेइज्जती हमें भी अच्छी नहीं लगी। बिल्कुल सही कहा आपने। KCCV मोहम्मद इमरान लिख रहे हैं तारवे, NSP स्कॉलरशिप के बारे में अपडेट दीजिए। इससे पहले मैंने अपडेट दे दीजिए है उसके बारे में, आप खुद गूगल पे सर्च कर सकते हैं NSP स्कॉलरशिप, अगर आप मारेंगे गूगल पे तो डायरेक्टली उनकी वेबसाइट को लिखिए। शब्बीर जू लिख रहे हैं, आपने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा। भाई मैं आपको मैसेज नहीं देखा इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा। उमर नुमान ने सलाम लिखा है। हबीब भाई लिख रहे हैं कि मकबरा मस्जिद के सामने जंगल जैसा है, उसकी वजह से मच्छर बहुत हो रहे हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जी हम वो ज़मीन देखिए दरगाह की, इसमें आती है, वहाँ तालाब था, पहले का तालाब था वो, और वहाँ पर पानी ठहरता था, तो इसकी वजह से वहाँ के पानी की वजह से कहीं ना कहीं मच्छर आ रहे होंगे। उस बारे में हम जो है वहाँ के कॉर्पोरेटर खुसर जागीदार से बात करके फॉगिंग कराएंगे, जिसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मोहम्मद गयासुद्दीन लिख रहे हैं, इलेक्शन टाइम पर हलाल की जगह जिक्र किया जा रहा है, लिख रहा है। मोहम्मद आमिर पाशा लिख रहे हैं, इस्लाम तारवे कैसे हैं? अच्छा बोलते, बोले आप संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। और उनको भी मैं दोनों जितने भी लोग सलाम किए हैं सबको वालेकुम सलाम। मुशरफ हुसैन ने काम की बात पूछी, केबीएन प्रीमियर लीग कब स्टार्ट हो रही है? भाई बिल्कुल बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, बने रहिए गोहाश के साथ, हम आपको देंगे सारी अपडेट। तौफिक शेख लिख रहे हैं कि पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के इनोग्रेशन में बिग बॉस की जैसे फुटेज रहती है, कर मोदी आगे करने इनोग्रेशन, और जो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन बाबा अंबेडकर उनके साथ चुके हैं इनोग्रेशन टाइम प्रेसिडेंट को आगे कर दिया, फुटेज नहीं रहते बोल के शायद। बिल्कुल सही कहा आपने। मोहन जैसे हैं कांग्रेस नंबर वन। अब्दुल कलाम सदा लिखे हैं, गुड न्यूज़ तारवे, आपकी न्यूज़ देखने से लोकल और इंटरनेशनल दोनों न्यूज़ मालूम हो रहे हैं, आपका न्यूज़ बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है, अच्छी तरह से मालूम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने आज लिखा ये बात, दिल की छीली ये बात, इंटरनेशनल के साथ साथ नेशनल न्यूज़ भी मालूम, लोकल न्यूज़ भी मालूम, यही हमारा मकसद है। तीनों आपको पोर्शन अगर आपको एक ही जगह मिल जाएं तो फिर कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मोहम्मद नईम लिख रहे हैं कि इसराइल अब हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता, पूरी दुनिया में इसराइल की थूथू हो रही है, मासूम बच्चों के खातिर इसराइल मुर्दाबाद। कैन वर्ल्ड लिख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम को जो भारत की आवाम डिसरेस्पेक्ट की मैच जीतने के बाद, और ऑस्ट्रेलियन कैप्टन की ट्विटर हैंडल पर जाके गाइडलाइन दी है। बिल्कुल सही कहा, हमारे देश के लोगों को उसके बाद ऑस्ट्रेलियन कैप्टन से रेस्पेक्ट की उम्मीद नहीं है। बेखूबी कैन वर्ल्ड, जी हाँ रेप के थ्रेट दिए गए बच्चे को, वो हो गया, हमारे पास भी चंद लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से पूरे लोगों का नाम खराब होता है। सैयद अब्दुल गनीमर कह रहे हैं ये वार नहीं जेनोसाइड है, लिख रहे हैं बिल्कुल सही है। अविनाश खरखोड़े लिख रहे हैं 63 ईयर्स लिख रहे हैं क्वेश्चन मार्क, मैं समझा नहीं भाई। हलीमा मसद, गुड इवनिंग, वेट इज नॉट थॉट ऑफ द डे, एक के लिए आपने बहुत ही अच्छी मालूम बताए हैं सर, लिखे हैं, थैंक यू सो मच मैम। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions.